और मोदी सरकार की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि वो ना आए दिल्ली, तो उसी समय राहुल जी किसान संगठनों से बातचीत कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, और ये मोदी सरकार की मंशा को दर्शाता है कि किस गैर लोकतांत्रिक तरीके से किसानों को रोका जा रहा है। और जो आश्वासन दिए गए थे किसान संगठनों को, जब प्रधानमंत्री ने तीन काले कानून को वापस लिया था, कृषि कानून को वापस लिया था, तब उन्होंने कुछ वादे किए थे किसान संगठनों को, वो वादा पूरा नहीं हुआ है। क्या वादा था? एक पहला वादा ये था कि डॉक्टर स्वामीनाथन का फॉर्मूला लागू होगा एमएसपी को तय करने के लिए। एमएसपी होगा खेती की लागत जो होती है विस्तृत रूप से, उस पर डेढ़ गुना ज्यादा एमएसपी लगाया जाएगा और एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। डॉक्टर स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न तो दे दिया है, पर स्वामीनाथन फॉर्मूला का कोई चर्चा ही नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है, उसका पूरा नजरअंदाज किया जा रहा है। दूसरी बात, 14 लाख करोड़ पूंजीपतियों को माफी किया गया, कर्जा माफी किया गया है बैंकों का जो ऋण लिया था। पर जो यूपीए सरकार ने की थी 2008 में 72,000 करोड़ ऋण माफी, कर्जा माफी किसानों का, किसान मांग रहे हैं कि एक और बार कीजिए। 14 लाख करोड़ पूंजीपति को हो गया है, पर किसानों का कोई एक चूम ही नहीं हुआ है, तो वो दूसरी मांग है। तीसरी मांग यह है, 700 से भी ऊपर किसान शहीद हुए थे जब किसान संगठन आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, आपको याद होगा, ये काले कृषि कानून के खिलाफ। उनको तो कुछ, उनके परिवारों को तो कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, कुछ राहत तो मिलना चाहिए। तो इस पर राहुल जी बात जरूर करेंगे, क्योंकि